Please subscribe my channel Convincing Technical. Share and comment. पहले हम रेक्टेंगल और सर्कल के बारे में जानते हैं। रेक्टेंगल और सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। हम रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करते हैं और सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम पाई में आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा सर्कल का एरिया आ जाता है। अगर हम सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, सर्कल का पेरीमीटर निकालते हैं, तो हम 2 पाई में रेडियस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ जाता है। यहाँ से हम ये सीखें कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मतलब एल इंटू बी, और सर्कल का एरिया निकालने के लिए पाई में हम रेडियस स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा सर्कल का एरिया निकल जाता है मतलब पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हम 2 पाई में रेडियस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सर्कल का सर्कमफ्रेंस मिल जाता है। मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए 2 पाई आर का यूज़ करते हैं। सिलेंडर के बारे में जानते हैं, सिलेंडर का एरिया कैसे निकालते हैं। सिलेंडर के 2 एरिया होते हैं, पहला कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया नहीं इंक्लूड होता है और टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम की एरिया इंक्लूड होता है। चलिए हम देखते हैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता कहाँ से है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखने से पहले हम ये देखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। तो कर्व सरफेस एरिया वो होता है जो सिलेंडर के चारों तरफ का एरिया होता है, उसको हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। इस चलिए हम समझते हैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कहाँ से बनता है। इसको समझने के लिए हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। जब हम रेक्टेंगल को सिलेंड्रिकल फॉर्म में फोल्ड करते हैं तो रेक्टेंगल का जो लेंथ होता है वो सर्कमफ्रेंस हो जाता है, और रेक्टेंगल का जो ब्रेथ होता है वो सर्कल में हाइट हो जाता है। जब हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे थे तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर रहे थे, तो सेम वही चीज़ है। यहाँ पे जो लेंथ है वो सर्कमफ्रेंस हो गया है और जो ब्रेथ है वो हाइट हो गई है। तो सर्कमफ्रेंस का मल्टीप्लाई हाइट में करेंगे या हाइट का मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस में करेंगे तो हमारा सिलेंडर का, तो हमें यहाँ से कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मिलता है। सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई हाइट, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होगा 2 पाई आर एच।